नमस्कार, मैं हूं एसके मिर्जा। नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी। एक बार फिर अखबारों की सुर्खियां 15 तारीख की हम लोग लेकर आए हैं। जैसा कि रोज हम लोग आपको अखबारों से रूबरू कराते हैं अपने ईशा न्यूज चैनल के माध्यम से, आप भलीभांति जानते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, प्रिंट मीडिया का आज भी वही महत्व है और आने वाले समय में भी वही महत्व रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हिंदुस्तान अखबार से जी शुरुआत करते हैं। तो हिंदुस्तान अखबार में जो सबसे बड़ी खबर लगी है, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति मेला में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, ये कलेर से खबर छपी है। मकर संक्रांति के अवसर पर मोहम्मदपुर के पास सोन नदी में आयोजित मेले में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है जो निश्चित तौर पर खतरनाक हो सकता है। और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मोक्ष का प्रतीक पर्व महासंक्रांति, ये मखदुमपुर से खबर छपी है। काफी कम संख्या में लोग पहुंचे नदी में स्नान को, ये घोसी से खबर छपी है। ये हिंदुस्तान की खबर है। और भदासी में पर्चा साठ दी जान से मारने की धमकी, अरवल से खबर छपी है। ये दहशत की खबर है, मगर कहा जाए तो ये हिंदुस्तान की खबर है जी, ये हिंदुस्तान। मास्क चेकिंग अभियान चलाकर वसूला गया जुर्माना, ये काको से खबर छपी है। प्रखंड प्रमुख का लिया चार्ज, समावेशी विकास पर दिया बल, ये हुलासगंज प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों तथा पंसद के साथ बैठक करते प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र कुमार, ये सत्येंद्र कुमार इन्होंने चार्ज लिया है जी। हुलासगंज में नए चुनाव में ये प्रमुख चुने गए हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज में तेजी लाने का निर्देश, ये हिंदुस्तान में खबर छपी है जी। कोरोना रोगियों की निगरानी के लिए बनाई गई दो टीमें, यह मखदुमपुर से खबर छपी है जी। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां तो उड़ी रही है मुशर्रफ जी, जी निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक है। और तीसरे पेज पर रत्नी और अरवल से ये खबर छपी है, जहानाबाद रत्नी और अरवल की ओर जाने वाले लोगों को होती है काफी परेशानी, बाईपास का निर्माण अधूरा जी, नहीं मिल रही जाम से निजात। हाँ। ये निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छी खबर है जी। और इससे लोगों को लाभ होगा, ये हिंदुस्तान ने खबर को तरजीह दी है। और मकर संक्रांति पर दही चूड़ा पहुंचाने गए व्यक्ति की ट्रेन से गिर कर गई जान, ये बहुत ही दुखद खबर है। पटना गया रेलखंड पर बंस राजबिघा गांव के समीप शुक्रवार को पैसेंजर ट्रेन से गिर कर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक गिरजा यादव कोहरा टोला डोमन बिघा गांव के निवासी थे। बहुत ही दुखद खबर है। बंद किए गए कोरोना जांच के सभी 3 काउंटर। और जहानाबाद रेलवे स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार पर तकरीबन 2 साल से संचालित कोरोना जांच के लिए बनाए गए सभी 3 काउंटरों को बंद कर दिया गया है। दरअसल 95% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही थी, इसी के लेकर बंद किया, ये हिंदुस्तान में खबर छपी है। और रत्नी के 5 प्रखंड कर्मी सहित 104 संक्रमित मिले, ये हिंदुस्तान की खबर छपी है। विभाग की गाइडलाइन का नहीं दिखा असर, ये है हिंदुस्तान की खबर। हिंदुस्तान ये सारी खबरें जो है वो हिंदुस्तान की खबर है, खबर। और ये हुलासगंज से भी खबर छपी है, जवान का शव आते ही जयकारा से गूंज उठा गांव। ये शहीद के शव पर माल्यार्पण करने को लेकर उमड़े लोग, शहीद का छोटा भाई भी पूर्व में हो चुका है देश की सेवा में शहीद। निश्चित तौर पर गंगापुर गांव में शाम 7 बजे जवान का शव आते ही लोगों की हुजूम जुट गई। शहीद जवान के वाहन के आगे आगे बाइक पर सवार सैकड़ों युवाओं ने वंदे मातरम का जी नारा दिया। मुन्ना ठाकुर का छोटा भाई भी देश की सेवा में हुआ है शहीद। ये मुन्ना ठाकुर शहीद हुए। एडमिट कार्ड में गलत फोटो, तब भी बच्चे देंगे इंटर की परीक्षा, ये जहानाबाद हिंदुस्तान की खबर है। 2 गिरफ्तार, 607 किलो जावा महुआ किया गया नष्ट, ये भी हिंदुस्तान की खबर है। 1681 व्यक्तियों की जांच में 51 लोग हुए संक्रमित, ये अरवल से खबर छपी है। हिंदुस्तान अखबार की खबर है, मुख्य व उप मुख्य पार्षद बनने की मची होड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है, ये जहानाबाद हिंदुस्तान खबर में छपी है, हिंदुस्तान अखबार में छपी है। राज्य के सभी नगर निकायों का चुनाव अप्रैल से जून माह के बीच प्रस्तावित है, इसे लेकर एक होड़ मची हुई है। मैं रहूंगा तो ये सब हिंदुस्तान में खबर छपी है, जहानाबाद हिंदुस्तान में छपी है जी। अगर मिर्जा साहब अगर बात करें हम लोग दैनिक जागरण की, तो जहानाबाद संस्करण पे पेज नंबर 2 पे कई खबर है, जैसे कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, ये आपको हुलासगंज की खबर है अगर बात किया जाए तो इसमें। और वहीं अगर हम लोग बात करें दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 की, तो 5 प्रखंड कर्मी समेत 104 लोग संक्रमित हुए हैं, जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 541 हो गई है, 541 दुखद है। और कोरोना का को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हुए कई लोग, लेकिन ये भी बात है कि बहुत से लोग जो है कोरोना का मात देकर घर भी वापस आ रहे हैं।
307 लोग ने बूस्टर डोज व 2279 लोगों ने लिया कोरोना रोधी टीका। तो इस तरीके से टीका का भी दौर जारी है और अब तो बूस्टर आ गया है साहब, तो लोग बूस्टर भी ले रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर उधेड़बुन, यानी कि वो जो अभी आपको शहर में जहानाबाद में अब नगर निकाय के चुनाव के अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जो है बहुत चर्चित मामला आ गया है। कई जो लोग हैं वो अपने आप को उसका दावेदार, कई नहीं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो है नगर निकाय के चुनाव में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं। स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं से वैक्सीन लेने की अपील, ये है आपको सब दैनिक जागरण की खबर है। बात किया जाए दैनिक जागरण में आगे की खबर, तो रिटायर्ड अभियंता की कार से उचक्के ने उड़ाया बैग। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के फिरा हुसैन चौक के समीप एक सेवानिवृत्त अभियंता की खड़ी कार से ये घटनाएं घटती, इस पर पुलिस को ध्यान देना। कागजात के भरा बैग लोगों ने निकाल लिया, यानी कि चोर चक्को ने उसे निकाल लिया है। ये पुलिस को गंभीर होने की, पुलिस को गंभीर होने की बात से जरूरत है। किसी के फोर व्हीलर से आप चार चक्के गाड़ी से वो निकाल ले। आगे अगर हम बात करें दैनिक जागरण की, तो गांव के लाल का पार्थिव शरीर देखकर रो पड़े लोग, ये जो अभी आप शहीद हुए हैं उनकी खबर। आगे बात करें अगर हम दैनिक जागरण की खबर की, तो नाला निर्माण के बहाने आधा किलोमीटर तक उखाड़ दिए केबल, ये आपको घोंसी से है। इलाके में भारत नेट परियोजना के तहत सभी गांवों को इंटरनेट से जो जोड़ने का मुहिम था, उसमें वहां जो केबल लगाया गया था उसे जो है रोड बनाने के नाला बनाने के इसमें जो है उसे काट लिया गया है या तोड़ दिया गया। इस तरह की सारी खबरें जो है वो दैनिक जागरण की है। अगर बात करें दैनिक जागरण में आगे की खबर, तो उसमें खबर है आपको कि आस्था के साथ मनी मकर संक्रांति किया तिल दान, ये आपको जहानाबाद हुलासगंज से ये खबर लगी है। आगे बात करें अगर हम लोग जागरण में, तो अरवल में धूमधाम से मनी मकर संक्रांति, कई घरों में आज है तैयारी, दोनों दिन मनाया गया मतलब 14 तारीख और 15 तारीख को। आगे बात करें अगर दैनिक ही जागरण में, तो कथित नक्सली का पर्चा मिलने से सनसनी इलाके में, जिस इलाके में जो है बताया जाता है कि अरवल की खबर है। सदर थाने के भदवासी गांव स्थित इमामबाड़े की दीवार पर शुक्रवार सुबह एक पर्चा सटा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आगे बात करें अगर हम लोग इसी में, तो शरीर व मानसिक रूप से मजबूत बनाता है सूर्य नमस्कार प्राचार्य, ये जहानाबाद में दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को SS कॉलेज जहानाबाद में जो है वो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये आपको ये सारी खबरें जो है आपको जहानाबाद दैनिक जागरण से। अगर दैनिक जागरण में आगे बात करें खबर की, तो ये खबर है यहाँ मिले असने को हमेशा याद रखेंगे, ये जहानाबाद से रेल थाना अध्यक्ष लल्लू सिंह के स्थानांतरण पर उन्हें जब विदाई दी गई तो वो जो है काफी आपको यहाँ से खुश हुए और कहा कि यहाँ हम हमेशा इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दैनिक आज अखबार की। जी दैनिक आज अखबार की बात करें, तो सबसे फ्रंट पे ये फोटो लगा हुआ है, एक धूमधाम से मना मकर संक्रांति का पर्व, लोगों ने किया दान पुण्य, ये पहली खबर है जो बड़ी फोटो के साथ लगाई हुई है। और गिरिजानंदन त्यागी बने जिला बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, जी ये भी खबर है आज अखबार, दैनिक आज अखबार की। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान को दी गई श्रद्धांजलि, देश के जाने माने NDTV के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का हार्ट अटैक से शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। उनके निधन से पत्रकारिता जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर पर NUJ के बैनर तले जहानाबाद जिले में पत्रकारों द्वारा वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान को श्रद्धांजलि दी गई, ये खबर को फ्रंट पे ही लगाया गया है। जी दैनिक आज ने जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज में लाए तेजी, DM समीक्षा बैठक में DM ने अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश, ये भी आज अखबार, दैनिक आज अखबार की खबर है। जी। और 580 लाख मीट्रिक अनाज बांटकर गरीब कल्याण अन्न योजना ने रचा इतिहास, ये भी एक खबर है आज अखबार में। सैनिक के निधन से शोक, अंतिम संस्कार आज, ये हुलासगंज में जो शहीद सैनिक हुए हैं उनके लिए, ये सभी अखबारों ने इसे जगह दी है। स्काउट गाइड की वर्चुअल बैठक में वैक्सीनेशन पर चर्चा, ये भी खबर है दैनिक आज अखबार की। और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करें क्षेत्र का भ्रमण, ये DM की ओर से, ये जिलाधिकारी सह उप समाहर्ता अरविंद मंडल, चूंकि DM साहब अभी नहीं है, छुट्टी पे हैं और उनके जगह अरविंद मंडल जी, हाँ वो प्रभारी कंट्रोल कर रहे हैं DM ने। तो योगाभ्यास में हमें शारीरिक व मानसिक रूप से संतुलित करता है डॉक्टर सुधीर, ये खबर है आज दैनिक आज अखबार की। पुलिस ने शराबी को किया गिरफ्तार, ये भी है परसबीघा थाने के पुलिस ने पंडुई गांव में छापेमारी कर एक शराबी को गिरफ्तार किया है, ये खबर है दैनिक आज से। और ट्रेन से गिरकर एक की मौत,
जी, ये भी खबर करीब करीब सब अखबार में लगी हुई है। जांच अभियान में पुलिस ने वसूला जुर्माना, ये आज अखबार की है। अरवल से खबर है, शरारती तत्वों ने पर्चा चिपकाकर जान से मारने की दी धमकी, ये भी सभी अखबारों में करीब करीब लगी हुई है। दो मोटरसाइकिल टक्कर में एक घायल, ये मखदुमपुर से छपी है खबर। और मृतक के परिजनों से मिल सांत्वना दी, ये कुर्था अरवल से, ये मानिकपुर पंचायत मुखिया अपने मृतक के परिजनों ने मिलकर सांत्वना दिया। स्थित गांव निवासी राजदेव यादव की आकस्मिक मृत्यु शुक्रवार को हो गई थी। ये दैनिक आज की ये सारी खबरें थी। अब अगर अब हम लोग बात करते हैं दैनिक भास्कर की, तो जहानाबाद संस्करण में इन्होंने जो सबसे पहले अपनी खबर लगाई है वो है सतर्क रहें, अब तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 850 तक पहुंचा, एक्टिव मरीजों की संख्या 541 हुई है, कोरोना संक्रमण में फिर पकड़ी रफ्तार, 104 नए संक्रमित मिले हैं, बरते सावधानी। ये दैनिक भास्कर की पहली खबर है जहानाबाद संस्करण की। अगर बात करें हम लोग वहीं आगे दैनिक भास्कर में, तो इसमें है 362 हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्करों ने बूस्टर डोज, तो 742 किशोरों को भी दी पहली डोज। ये जहानाबाद से जो बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है तो वो चल रहा है। हाँ, इंदर बीघा में करंट लगने से युवक की मौत, पसरा मातम, दैनिक भास्कर, ये रतनी से खबर है। आगे बात करें हम लोग पीजी रेलखंड पर वंशराज बिघा के ग्रामीण की ट्रेन से गिरने से हुई मौत, ये आपको मखदुमपुर की खबर है। वहीं आगे बात करें वाहन और मास जांच पर कर पुलिस ने वसूला 32,000 से अधिक का जुर्माना, ये दैनिक जुर्माना लगातार वसूला जा रहा है। सतर्क नहीं रहेंगे तो यही होगा जी। अगर बात करें दैनिक भास्कर के आगे, तो 21 वर्षों में 12वीं बार 15 को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, वो पहले भी मनाया जा चुका है। हाँ, ये जो हाँ, और इस बार लोग कई लोगों ने 14 को भी मनाया और 15 को भी मना रहे हैं। जी जी, ये दैनिक भास्कर में भास्कर की खबर है। और आगे बात करें अगर दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर में खबर अरवल से है, ऐसे जीतेंगे हम कोरोना से जंग, मेला भी लगा और लोगों ने भी जमकर खरीदारी। दरअसल एक फोटो लगी है खूब बड़ी ऐसी अरवल से, और उसमें काफी भीड़ है, कोई मास्क नहीं है, तो उसमें इसी ने उन्होंने हेडिंग दिया है कि ऐसे जीतेंगे हम कोरोना का जंग, उसमें काफ़ी लोग हैं, भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। आगे अगर हम लोग बात करें आपको दैनिक भास्कर की खबर की, तो इसमें है कि पीएम आवास योजना का लाभ उचित लोगों को मिले, इसके लिए होगा प्रयास, ये खबर कलेर से छपी है इसमें। वहीं आगे अगर हम लोग बात करें दैनिक भास्कर में, तो अरवल से खबर है कि बंदी के दौरान भी कार्य करते हैं हम, लापरवाही के कारण नहीं मिला वेतन। दरअसल कर्मचारी महासंघ गोगुट ने जिला अध्यक्ष पदाधिकारी को दिया ज्ञापन, और बिहार राज्य और अपराचित कर्मचारी महासंघ गोगुट के शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन देकर उन्हें कहा है कि हम लोग को जो है काम हम लोग से लिया जा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करें कर्फ्यू के, तो बस पड़ाव में नहीं है शौचालय, यात्रियों को होती है परेशानी। जी, ये सारी खबरें जो है वो दैनिक भास्कर की। अब हम बात करेंगे जहानाबाद प्रभात खबर की, तो जहानाबाद प्रभात खबर में जो सबसे एक बड़ी खबर बनाई गई है कि जनता के हाथों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है ये नगर परिषद का, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक करेगी। और इसमें कई फोटो भी लगे हैं जिसमें मुख्य पार्षद पूनम देवी, कृष्णा प्रसाद कुमार गुप्ता, उप मुख्य पार्षद मोहम्मद कलामुद्दीन जो पूर्व उप मुख्य पार्षद हैं, सह वार्ड पार्षद हैं बैकुंठ यादव जो वार्ड पार्षद हैं, धीरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू शर्मा जो वार्ड पार्षद हैं, संजय कुमार वार्ड पार्षद हैं, ये इतने लोगों की तस्वीर भी लगी है साथ उनका, और ये पूरा डिटेल्स इसमें किया हुआ है, क्योंकि हम पूरा डिटेल्स बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए जो है वक्त कम रहता है, इसलिए जो खबर मेन मुख्य मुख्य जो खबरें होती है उसी को हम लोग पढ़ते हैं, उसी को बताते हैं। तो जहानाबाद प्रभात खबर में एक और जो बड़े कॉलम में छापा गया है, सतर्कता, सभी संक्रमितों का होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज, गाइडलाइन का करे पालन, रत्नी ब्लॉक के 4 कर्मी सहित 104 मिले संक्रमित, ये बड़ी खबर है, इसमें कई तस्वीर लगी है, 3 तस्वीर लगी है। और वहीं हुलासगंज प्रखंड प्रमुख ने संभाला कार्यभार, ये सभी अखबारों ने इसको जगह दी है। राजस्व संबंधित मामलों का हो ससमय निष्पादन, ये भी एक खबर है। बैठक में एडीएम को दी गई जानकारी, एडीएम अरविंद मंडल की अध्यक्षता में 12 विभागों के साथ आंतरिक संसाधन की बैठक, संबंधित पदाधिकारियों के साथ हुई, आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण काफी कार्य स्थगित कर दिया गया था, जिसके कारण हमारे
देश के साथ साथ हमारे जिले में भी राजस्व की क्षति हुई और वसूली भी ससमय नहीं किया गया, ये बताए हैं कर्मचारी लोगों ने, लगता है बताया। हाँ, दरअसल जो कोरोना की वजह से जो है बहुत जगह पर मुश्किलें हुई है, हाँ, जो आता है आपको। और एक और खबर है, डॉक्टर रोहित ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। माँ जगत नारायण ट्रस्ट के बैनर तले जहानाबाद के सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर रोहित राज ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए नया टोला मोहल्ले में गरीबों के बीच कंबल बांटे हैं। अच्छी पहल है। करंट की चपेट में आने से गई युवक की जान, ये भी एक खबर है। प्रशासन ने चलाया मास्क जांच अभियान, ये तो मास्क जांच लगातार चल रहा है। वाहन व मास्क जांच में वसूला गया जुर्माना, चला मास्क व वाहन जांच अभियान, ये रत्नी से खबर छपी है। वहीं प्रभात खबर में तीसरे पेज पर छपी है, श्रद्धा के साथ मनाई गई मकर संक्रांति, स्नान के बाद दान पुण्य कर लिया, चूड़ा और दही का आनंद। ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति को ही मौत, ये प्रभात खबर की खबर है। पाइप बिछाने में टूटी सड़क, आवागमन में परेशानी, ये प्रभात खबर की खबर है। मिर्जा भाई, अगर बात करें प्रभात खबर के बाद हम लोग राष्ट्रीय सहारा की, तो राष्ट्रीय सहारा ने अपनी जो सबसे पहली खबर और बड़ी खबर बनाई है जहानाबाद पेज पर, राजस्व एवं आपदा की समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिया कई जरूरी निर्देश, जैसा कि आप और सभी अखबारों ने लगाया है, आपको बताया है, उसी वजह से आपने इसमें भी वही खबर है। लगभग गिरजानंद त्यागी बने जिला बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, लगभग सभी अखबारों ने कल भी उसे जगह मिला था और आज भी इस पर खबर कहीं कहीं पे छपी है। अगर बात करें हम लोग आगे, तो धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति पर्व, ये जहानाबाद की खबर है। और आगे बात करें दैनिक के राष्ट्रीय सहारा की, तो वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान को पत्रकार संघ NUJ ने दी श्रद्धांजलि। ये तो कल ये बहुत ही अफसोसजनक की है, कमाल खान का निधन हुआ, कमाल खान की आज इस खबर को उसने जगह दी है। अगर आगे बात करें हम लोग राष्ट्रीय सहारा की, तो शहर तेलपा मेहंदिया मुख्य मार्ग पर पानी गिरने से आम आवाम परेशान, ये करपी से खबर छपी है। वहीं SS कॉलेज सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, एक फोटो के साथ ये खबर है। गरीबों के बीच बांटा गया दूध चूड़ा गुड़ व तिलकुट, ये जहानाबाद की खबर है, बल्कि जहानाबाद अरवल की खबर है ये। समाज सेवी निर्भय कुमार सिंह ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी जो है वो गुड़ चूड़ा बांटा है। आगे बात करें अगर हम लोग राष्ट्रीय सहारा की, तो काशी पंचांग मनाने वाले आज मनाएंगे मकर संक्रांति। तो जैसा कि हम लोग पहले ही बताया कि काशी पंचांग मानने वाले, हाँ, आज मनाएंगे मकर संक्रांति। तो अलग अलग पंचांग है जी, लोग कभी 14 को मनाते हैं तो कोई 15 को मनाते हैं जी, तो इस खबर को तरजीह दी गई। हाँ, तब और कई पेपरों ने, कई अखबारों ने जो है इसको लगाया है। तो इस तरीके से इसमें और भी खबर है राष्ट्रीय सहारा में, करंट लगने से युवक की मौत जहानाबाद की खबर है। ठंड से 48 वर्षीय महिला की मौत, ये भी आपको रत्नी फरीदपुर की खबर है। छापेमारी में जावा महुआ नष्ट, ये जहानाबाद की खबर है राष्ट्रीय सहारा में। जांच अभियान में पुलिस ने वसूला जुर्माना, जहानाबाद से खबर है ये। मोटरसाइकिल सवार ने बिजली खंभे में मारी टक्कर, ये मखदुमपुर से खबर है। इस तरह की खबर आपको राष्ट्रीय सहारा में जगह मिली है। वहीं अगर हम लोग बात करें उर्दू अखबारों की, तो उर्दू अखबार में खबर आपको कौमी तंजीम की अगर हम लोग बात करें, तो वही सीनियर सहाफी कमाल खान के लिए ताजती अजलास का इनेकाद किया गया। उन्हें जहानाबाद सीनियर सहाफी कमाल खान की निगहवानी वफात पर जिले भर में आपको जो उन्हें याद किया गया, उनको ताजती अजलास देकर उन्हें खराज अकीदत पेश की गई, ये कौमी तंजीम की खबर थी। वहीं अगर हम लोग बात करें मिर्जा साहब रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की, तो रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भी जो खबर लगाई है वो आपको सबसे पहले डीएम की जमीन से मुतालिक मामूलात पर सर्किल ऑफिसरों के साथ हिदायत, उन्होंने जो है वही, लगभग सभी अखबारों ने जो है इस पे खबर लगाई है कि डीएम की जमीन से मुतालिक मामूलात पर सर्किल अफसरान को हिदायत। बात करें अगर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की आगे बात करें, तो NUJ के जानिब से सहाफी कमाल खान को खराज अकीदत, ये भी खबर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने पेज पर जगह दी है। बल्कि और आगे बात करें हम लोग इसमें उर्दू इनकलाब की, अगर उर्दू इनकलाब की बात करें, तो उर्दू इनकलाब में पहली खबर है खेत में गिरे बिजली के तार की जद में आने से काश्तकार की मौत, एक खबर। दूसरी खबर है कि 3 इजला को जोड़ने वाली कौमी शाहरा 110 गड्ढे में तब्दील, कई जगहों पर जो NH 110 है वो गड्ढे में तब्दील है, जिससे लोगों को आने जाने में, गाड़ियों को चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो आज की सारे अखबार हम लोग के सामने, तो रोज़ हम लोग आपको सभी अखबारों से रूबरू कराते हैं, ताकि जो भी लोग अगर किसी कारणवश अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्हें अखबारों की खबर
मिल जाए, मिल जाए, किसी भी तरह की उन्हें मुश्किल ना हो और सभी खबरों से हमेशा रूबरू होते रहें। ये आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है खबरी लाल, इसे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईशा न्यूज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम हमेशा आपके लिए खबरों का पिटारा लेकर आते रहेंगे अखबारों से।